हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसमें हम वेरियस टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। हमें कोशिश यही है ओवरऑल पूरा पेपर ही हमारा कवर हो जाए, उसी से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे। तो आज उसी कड़ी में हम अगला पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, बोथ ईपी रोम एंड ईईपी रोम आर सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, वोलेटाइल मेमोरी और डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी। अब देखिए, थोड़ा सा हम चीज़ें देखते हैं। ईपी रोम और आपका ईईपी रोम, बेसिकली ये रोम का टाइप। ठीक है, डेटा इज रोम, डेटा इन रोम वे एक्सेस्ड रेंडमली, हेंस ईपी रोम एंड ईईपी रोम आर रेंडम। तो डेटा रोम कैन बी एक्सेस्ड रैंडम। दिस विल इम्प्लाई बोथ अबव आर रैंडम। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ आपका जो कन्फ्यूज़न है हम वो भी दूर कर देंगे। आपके दिमाग में अभी कई सवाल उठ रहे होंगे, वो इस क्वेश्चन के बाद आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझिए। देखिए, ईपी रोम की बात करते हैं, ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इट इज ए नॉन वोलाटाइल दैट मीन्स इट्स डेटा विल बी रिटेन्ड इवन एन द पावर इज टर्न ऑफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो होप यू गॉट इट हियर। चलिए अगले की बात करते हैं, ईईपी रोम। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली। इट इज अ यूजर मॉडिफाइबल फाइबल रोम रीड ओनली में। दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम
प्रोग्राम तो एप्लीकेशन ऑफ हायर देन नॉर्मल वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको क्लियरिटी यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपका मिसकंसेप्शन भी दूर कर, रोम क्या है? रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, क्लियर है? और अगर आप देखें, देखो ये तो फुल फॉर्म हो गया, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ। देखिए जो आपका रोम है वो केवल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स यू कैन रीड फ्रॉम इट। ओके, और रैम जो है आपका वो बेसिकली रीड राइट मेमोरी। ठीक है, कि आप उसको रीड भी कर सकते हैं और आप उसको राइट भी कर सकते हैं। क्लियर है? बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बोथ आर ए रैंडम एक्स, रैंडम मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सेस रैम एंड रोम वी आर गोइंग टू डू इट रैंडमली। ओके, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। जनरली वी थॉट दैट दिस इज रोम ओनली रीड ओनली, दैट इज करेक्ट, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम मीन्स रीड एंड राइट मेमोरी। बट वेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट थ्रू द प्रोसेसर, इट इज द एक्सेस ऑफ द बोथ मेमोरी आर। उम्मीद है आपका जो मिसकंसेप्शन है वो यहाँ पर दूर हो गया होगा। और दोस्तों यही छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम एग्जाम में कर देते हैं और हमें फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कोशिश की है दोस्तों मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर समझाने की आपको। अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो दोस्तों जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वैसे तो ये मेमोरी में आता है क्वेश्चन, आप इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी में कह सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में मेंशन है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हम इन हाई लेवल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल एंड स्टेटमेंट लास्ट कॉलन फुल स्टॉप सेमी कॉलन बबल कोटेशन मार्क, करेक्ट ऑप्शन है डी। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे लगता है गलत किया होगा। देखिए अगर हमें किसी भी लैंग्वेज की सिंटेक्सिंग पता है, बेसिक सिंटेक्सिंग पता है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का हम कभी गलत नहीं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा लैंग्वेज आए। ठीक है, आपको उसका बहुत केवल बहुत बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इसका प्रोग्राम, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है ताकि आपको ये इसकी क्लैरिटी बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से आ। ठीक है, उसमें हम देखेंगे। अब देखिए ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, हेलो। ठीक है, अब देखिए ये मेन मेन प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ हमने रिटर्न किया हेलो वर्ल्ड, रिटर्न किया आई लव बीएसएनएल और फिर रीड किया, यहाँ ये एंड हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, आप राइट हमने बेसिक लिखा। ये सिंटेक्सिंग है आपका प्रोग्रामिंग का। अब देखिए क्वेश्चन पे आप जाएंगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल एंड स्टेटमेंट लास्ट विद। अब देखिए अब इस प्रोग्राम को देखिए क्या कहा है उसने, प्रोग्राम का एंड हो रहा है। वापस से पढ़ेंगे क्वेश्चन, इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट आपका ये है लास्ट विद फुल स्टॉप,
देखिए यहाँ किस चीज़ से लास्ट हो रहा है, अगर आप ये देखेंगे, आप ये देखिए, ये जो आपका ये किस चीज़ से लास्ट हो रहा है, ये आपका फुल स्टॉप से लास्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ फुल स्टॉप से लास्ट हो, क्लियर है। देखिए यही अगर उसने कहा होता कि जो इन बिटवीन के स्टेटमेंट हैं वो कहाँ से किस चीज़ से लास्ट होते हैं, तो दोस्तों ये सेमी कॉलन से होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एंड स्टेटमेंट है वो आपका फुल स्टॉप से, और उसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट होंगे ये सारे सेमी कॉलन से, ठीक है दोस्तों, बस यही यही डिफरेंस है, और इसीलिए लोगों ने ये क्वेश्चन गलत दी। तो होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखिए इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो ये होना है कि हमने राइट किया हेलो वर्ल्ड आ गया है, जो स्ट्रिंग हमने लिखा है वही आ गया, यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा, यहाँ आई लव बीएसएनएल लिखा, तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर। उम्मीद है ये आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने कोशिश की है समझाने की। देखिए अगर मैं आपको ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बता दूँ फुल स्टॉप, तो आप नहीं समझ पाएंगे, आने वाली गलतियाँ भी नहीं आप कर पाएंगे, तो इसीलिए मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर बना कर रखा था, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर अब आपको बहुत क्लैरिटी इस चीज़ की आ गई होगी, और भविष्य में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो शायद आप गलत नहीं करेंगे, क्लियर। जो केवल लास्ट स्टेटमेंट है वो आपका फुल स्टॉप से होगा, बाकी जो इन बिटवीन के स्टेटमेंट है वो सेमी कॉलन से, इसलिए ऑप्शन दें दोनों चीज़, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा स्ट्रिंग है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, कोटेड मार्क्स, ठीक है, ये आप आपको क्लैरिटी हो गई। देखिए थोड़ा सा पास्कल के बारे में जान लेते हैं। पास्कल इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर। पास्कल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 97 बाय निकालियुस प्रिथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं, हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, अगर आप सिलेबस जाके आप अपना देखेंगे तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्रोग्राम इज यूज बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेजेस, वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल्स, वेब सर्वर और सर्च इंजन। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। ठीक है दोस्तों अब देखिए इसका हिंदी बड़ा अनुवाद बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो हिंदी अनुवाद पर आप मत जाइएगा, यहाँ ये करेक्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछा, ठीक है। अ वेब ब्राउजर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउस यूजर टू एक्सेस, नेविगेट एंड सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स www, ठीक है। यू कैन गो एनीवेयर ऑन द इंटरनेट यूजिंग द वेब ब्राउजर, इट पुल्स डेटा फ्रॉम द अदर वेबसाइट्स एंड डिस्प्लेस इट ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, द डेटा इज सेंड ओवर द इंटरनेट वाया द HTTP, HTTP क्या है, HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, विच स्पेसिफाई हाउ टेक्स्ट पिक्चर्स एंड वीडियोज आर सेंट, व्हेन ए क्लाइंट डिवाइस रिक्वेस्ट अ वेब पेज द सर्वर सेंड्स अ कॉपी ऑफ द वेब पेज टू द क्लाइंट मशीन विच इज देन डिस्प्लेड इन द यूजर्स वेब ब्राउजर, ओके। अ वेब ब्राउजर is a program that allows you to access resources, app and website on the
www वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी आर एग्जांपल ऑफ। तो अगर एग्जांपल की बात करें, हमारा हो गया गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। ठीक है, कुछ एग्जांपल। दोस्तों उम्मीद है ये वाला पोर्शन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये भी आपके सिलेबस में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही आप एक बार जाकर देखिए, रिलेट कर सकते हैं। ये पोर्शन भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही आपके सिलेबस में, वेब पेज डिज़ाइन करके उसमें एक कॉलम एक ऐड किया हुआ है, उसी के अंडर में ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू फाइंड बग्स इन द जावा प्रोग्राम। देखिए 57 क्वेश्चन में भी वही चीज़ उन्होंने लिख दी है, तो वो गलत अनुवाद हो गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले में देख, क्वेश्चन कह रहा है इज यूज टू फाइंड बग्स इन द जावा प्रोग्राम। अब देखिए ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है JDB, ठीक है, JDB यानी जावा डिबगर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि शायद आपने जावा हो सकता है ना पढ़ी हो, बट एक दो चीज़ें हम यहाँ देख लेंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और हो सकता है अभी ये क्वेश्चन आया है जावा में कुछ थोड़ा बहुत और क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब जो JDB है आपका, तो बोलते हैं जावा डिबगर। इट इज़ अ कमांड लाइन जावा डिबगर दैट डिबग्स द जावा क्लास। ओके, इट इज़ अ कमांड लाइन जावा डिबगर दैट डिबग्स द जावा क्लास। इट इज ए पार्ट ऑफ JPDA दैट हेल्प्स That helps in the inspection and debugging of local or remote JVM. ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। देखिए एक वर्ड हमने यूज़ किया था अभी, JPD की फुल फॉर्म है आपका जावा प्लेटफॉर्म डीबगर आर्किटेक्चर। एक वर्ड और यूज किया था हमने JVM, इसका मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल। देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या पूछ लें, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ लें, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें और हम यहाँ पर अभी डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब एक दो चीज़ें और थोड़ा सा हम JVM
यानी जावा वर्चुअल मशीन इनेबल्स अ कंप्यूटर इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रन जावा और अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज की बात करें जैसे कॉटलिन हो गया आपका, ग्रूवी हो गया आप, काला हो गया आपका, है ना, तरह की लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम है ना, लैंग्वेज प्रोग्राम्स दैट आर कंपाइल्ड टू द जावा बाइट को बाइट। क्लियर है, ये तो आपको समझ आ गया। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड आता है जे आर ई, इसका मतलब है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ जे डी के दैट कंटेन्स द जावा क्लास लाइब्रेरीज जावा क्लास लोडर एंड JVM। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों, ओके गाइस। अब देखिए, एक वर्ड अभी मैंने यूज किया JDK का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। ये क्या है, इट इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज्ड टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। ओके, तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर डिस्कशन करनी थी और मैं ये ही करना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर हम इसे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जज करें तो दोस्तों ये वाला पोर्शन भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है। जब आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये पोर्शन भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही पार्ट दिया हुआ है आपके से। ठीक है, तो वहाँ जावा से रिलेटेड चीज़ें देखनी है दोस्तों। जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगी जावा से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ डिस्कशन करने का पर्पज़ ये था कि क्वेश्चन, ठीक है, अभी इसने यहाँ JDBC के बारे में पूछा आपसे, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको JDK के बारे में बताया, JVM के बारे में बताया, JRE के बारे में बताया, JPDA के बारे में आपको मैंने बताया। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसी से आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर आपको ये बेसिक टर्मोलॉजी पता होगी तभी आप पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल 100% सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस होगा आपको अपने ऊपर कि हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये सीरीज हमने शुरू की थी कि थोड़ा सा हम चीज़ें जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगल बगल की चीज़ें भी हम देख लें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगी और काफ़ी क्वेश्चन आपको इन थ्योरी से मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में क्या आएगा वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही हमें पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हों, वो लोग भी थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकें।
अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन भी हमारे इस थ्योरी में से आ जाते हैं तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल, ठीक है। बाकी थ्योरी कुछ सब्जेक्ट्स की हमने पढ़ ली है, हमने भी कवर की है कुछ थ्योरी, ठीक है। और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ पर छूट गया है या फिर वहाँ से रिलेटेड है वो यहाँ पर कवर करने के लिए, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ जाता है, और हो सकता है क्वेश्चन जो हम थ्योरी डिस्कशन कर रहे हैं उस पर बेस्ड आए, तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आप लाइक का बटन दबाइए, अभी लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप तुरंत देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डिपेंड ऑन मोटिवेशन, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत कम टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मोटिवेशन के हिसाब से हम उतनी ही ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें कितना मोटिवेट कर। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।